For complete courses, visit our website myintracademy.com. Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get notified for our future updates. Welcome you all students. So today we are going to start chapter number 1 and the name of this chapter is Syed. So yahan pe main aapko batata chalun ki hum yahan pe first year maths padhna start kar rahe hain aur aapke paas total first year maths ke andar 13 chapters hain. Theek hai, total chapters aapke paas 13 hain. To ab hum yahan pe chapter by chapter pura course complete karenge aur jis chapter ke sath hum start kar rahe hain that is chapter number 1 aur is chapter ka naam hai aapke paas Syed. Okay, so let's start. So sets के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो definitely sets के बारे में आप पहले से familiar होंगे आपने matric class में या अपनी early classes के अंदर definitely sets को जरूर study किया होगा और आप काफी familiar भी होंगे इस term के साथ. और एक और बात मैं बताऊं कि ये जो आपके पास chapter है this is the most easiest chapter of first year mathematics और साथ ही सबसे ज़्यादा छोटा chapter भी है. ठीक है, एक ही exercise है, कुछ respective questions हैं, उसके बाद ये chapter complete हो जाएगा. तो चलिए अब हम यहां पे सेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं. तो सेट्स की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो सेट्स की डेफिनेशन आपके पास कुछ इस तरह से है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखूं तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी आपके पास. तो यहां पे मैं सेट्स की डेफिनेशन लिख रहा हूं. तो सेट्स की डेफिनेशन में इस तरह से आपके पास कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड and distinct objects. Okay, अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पे इसके नाम पे गौर करें तो set उमूमन हम कहते क्या है किसी collection को. ठीक है, तो set की mathematical definition भी आपके पास इसी तरह की है कि collection of well defined and distinct objects. अच्छा, यहाँ पे जो दो terms आपके पास इस्तेमाल हुए हैं well defined और distinct, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है. देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं वेल डिफाइंड की कि वेल डिफाइंड या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स किस तरह के होते हैं. ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे सेट ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स बताएं तो आप मुझे बता देंगे कि द सेट ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आर 1, 2 एंड 3. ओके, सिमिलरली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे बताएं कि फर्स्ट फोर अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश तो भी आप मुझे बता देंगे कि ए बी सी डी. तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो मैंने आपके सामने दो एग्जांपल्स ली हैं, पहली एग्जांपल मैंने आपके सामने क्या ली थी, पहली एग्जांपल मैंने आपके सामने कहा कि सेट ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स, तो आप फौरन से बता देंगे द सेट ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या होंगे, 1, 2, 3. ओके, सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे फर्स्ट फोर अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश बताएं तो भी आप बहुत आसानी से मुझे बता देंगे, आप ये बता देंगे कि भाई फर्स्ट फोर अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश आपके पास क्या होते हैं, ए बी सी और डी. ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहां पे जो मैंने एग्जांपल आपको बताई है द सेट ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स और फर्स्ट फोर अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, ये दोनों के दोनों आपके पास सेट हैं और साथ ही साथ ये वेल डिफाइंड है और ये डिस्टिंक्ट भी हैं. अच्छा, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि जुदा जुदा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एलिमेंट जो है वो अलग अलग होने चाहिए. तो इधर भी आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 ये वेल डिफाइंड है और ये डिस्टिंक्ट भी है, ए बी सी डी ये भी वेल डिफाइंड है और ये डिस्टिंक्ट भी है. अच्छा, अब कौन से ऐसे सेट्स होते हैं जो कि वेल डिफाइंड ना हो. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे टॉप थ्री रीनोन्ड एक्टर्स बताएं. ओके, आई रिपीट, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे टॉप थ्री रीनोन्ड एक्टर्स या मोस्ट फेमस एक्टर्स बताएं तो आप क्या बता सकते हैं मुझे. तो होगा क्या कि इस केस के अंदर जब मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे, मैं इसको लिख के बता देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि सेट ऑफ थ्री मोस्ट रीनोन्ड एक्टर्स, तो यहां पे ये वेल डिफाइंड नहीं है. अब ये क्यों वेल डिफाइंड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं या अगर आप मुझसे पूछें कि आप मुझे बताएं द सेट ऑफ थ्री मोस्ट रीनोन्ड एक्टर्स, तो मैं हो सकता है आपको तीन डिफरेंट नाम दे दूं. हो सकता है मैं आपको कहूं कि शाहरुख खान, जैकी चैन
और टॉम क्रूज. मेरी नजर में ये तीन जो है ये रीनोन्ड एक्टर्स हैं. मैंने कहा शाहरुख खान, टॉम क्रूज और जैकी चैन. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं कि आपकी नजर में या आपके मुताबिक द थ्री मोस्ट रीनोन्ड एक्टर्स कौन से हैं, तो हो सकता है आप तीन डिफरेंट नाम ले लें. अगर मैं किसी दूसरे बंदे से पूछूं तो हो सकता है कि वो भी तीन डिफरेंट नाम को ले लें. तो कहने का मकसद क्या है कि इस तरह के जो सेट्स होते हैं कि जो कि जिसके अंदर आपके पास ये वाली कंफ्यूजन होती है जो कि वेल डिफाइंड ना हो, तो वो सेट्स भी नहीं कहलाते. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है जो भी सेट डिफाइन करें वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सेट है आपके पास ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है. इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी क्लास की बात कर लेता हूँ. अभी आप लोग क्लास 11th में आए हैं, फर्स्ट ईयर में आए हैं. तो मैं आपको प्रीवियस क्लास मैट्रिक की अगर मैं एग्जाम्पल दे दूँ, मैं आपसे ये पूछूँ कि आप मुझे ये बताएं कि आपकी क्लास में द थ्री मोस्ट हैप्पीएस्ट स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? अब आप तो बता देंगे कि आपके हिसाब से थ्री मोस्ट हैप्पीएस्ट स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं. लेकिन अगर मैं किसी दूसरे को बताऊंगा, पूछूंगा, तो वो कुछ और बताएगा. किसी तीसरे स्टूडेंट से पूछूंगा तो वो कुछ और बताएगा. तो कहने का मकसद क्या है कि अगर आप इस तरह का भी सेट लें, फॉर एग्जाम्पल द थ्री मोस्ट हैप्पीएस्ट स्टूडेंट्स, तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है. ठीक है, लेकिन इसके बरक्स अगर मैं आपको कुछ नंबर्स स्पेसिफाई करके बता दूं या मटीरियलिस्टिक करके बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहूं कि आप उन सेट ऑफ स्टूडेंट्स का आप एक सेट बनाए जो के पोजीशन होल्डर्स हैं, तो यहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी क्लास के अंदर तीन पोजीशंस आई होंगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो उन तीनों स्टूडेंट्स का आप एक सेट बना देंगे. तो इसका मतलब यह है कि इस तरह का सेट आपके पास क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा. ओके, गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पे आप लोग ये बात डेफिनेटली समझ में आ रही होगी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं. तो सेट्स को इसकी डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. वेल डिफाइंड के बारे में हमने देख लिया कि वेल डिफाइंड किस तरह के होते हैं और नॉट वेल डिफाइंड सेट्स किस तरह के होते हैं. ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं कि हम सेट्स को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट थ्रू कैपिटल लेटर्स. ये इसकी एक पहचान है कि जब भी हम किसी भी सेट को नाम देते हैं तो हमेशा हम कैपिटल लेटर्स से नाम दे रहे होते हैं. अच्छा, कैपिटल लेटर्स हम नॉर्मली क्या क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ए बी सी या एक्स वाई जेड. ओके, इट्स अप टू यू. हम मैथ्स के अंदर चीजों का आसान कर रहे होते हैं तो या तो हम फर्स्ट थ्री अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश इस्तेमाल करेंगे या द लास्ट थ्री अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू नेम एनी सेट. ठीक है, किसी भी सेट को अगर आपने नाम देना है तो हम उसको अल्फाबेट से दे रहे होते हैं और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, विथ कैपिटल लेटर्स. ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास कुछ डेफिनेशंस भी हैं रिगार्डिंग सेट्स. फॉर एग्जांपल के सब सेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर सेट्स क्या होते हैं. ठीक है, इसके अलावा आपके पास सुपर सेट्स क्या होते हैं, पावर सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो चले हम इन डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं. तो उस डेफिनेशन को बताने के लिए यहाँ पे मैंने आपके सामने बुक कैरी की हुई है और आपकी बुक ही से मैं डेफिनेशंस को बताऊंगा. तो सबसे पहली डेफिनेशन जो आपके पास है वो है आपके पास सबसेट. ओके, अब जैसा कि नाम आपको डिफाइन कर रहा है सबसेट, सबसेट का मतलब होता है छोटा सेट. अच्छा, अब सबसेट का मतलब यह कि छोटा सेट, तो हम दो सेट्स का कंपैरिजन कर रहे होते हैं. तो इसकी डेफिनेशन को जिस तरह से मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं कि अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, यानी सेट बी जो है सेट ए का सबसेट होगा. इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, इस तरह से. इसका मतलब यह है कि B इज अ सबसेट ऑफ A, यानी B छोटा सेट है. कब? इसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ B इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A. कब? कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ B इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A. तो इस तरह के सेट्स को हम कहते हैं सबसेट्स. और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. अच्छा, ये इसकी एग्जांपल किस तरह से. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने दो सेट्स ले रहा हूं, एक सेट है आपके पास 1 2 3 और एक और सेट है आपके पास फॉर एग्जांपल 2 3. तो इस केस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि बी जो है वो ए का सबसेट है. बी ए का सबसेट क्यों है, क्योंकि बी के तमाम एलिमेंट जो हैं वो ए के अंदर मौजूद हैं. ठीक है, यही बात कही गई है. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए,
यानी बी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए के एलिमेंट्स भी होने चाहिए। तो बी के एलिमेंट्स हैं 2, 3 और ए के एलिमेंट्स में भी 2, 3 मौजूद है। ऑल्सो 1 ज्यादा एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कहेंगे, बी के तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा एक और बात होती है, एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं इस तरह की कि ए आपके पास फॉर एग्जांपल 2, 4 है और बी आपके पास भी 2, 4 है, तो इस केस के अंदर भी हम ये कह सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात है, लेकिन इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जो मैंने पहली वाली एग्जांपल दी है उसके अंदर ए के एलिमेंट्स ज्यादा थे, बी के एलिमेंट्स कम थे, लेकिन बी के तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद थे, तो हमने ये कहा कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने आपके सामने क्या बताया कि ए आपके पास उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 और 4 और बी के एलिमेंट्स भी आपके पास 2 और 4 हैं, यानी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एवरी एलिमेंट ऑफ बी यानी 2, 4 इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, वो ए का एलिमेंट भी है, तो इसका मतलब बाई डेफिनेशन ये सबसेट भी है इसका। ठीक है, अगर इक्वल सेट हो तब भी ये सबसेट कहलाते हैं। ओके, अच्छा अब एक और डेफिनेशन आपके पास प्रॉपर सबसेट। ओके, तो ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है, एक होता है आपके पास सबसेट, एक होता है आपके पास प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आपके पास कुछ इस तरह की है, मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं कि अ सेट बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यानी सेट बी ए का प्रॉपर सबसेट तब कहलाएगा कब डिनोटेड बाय, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ओके, इसके अंदर एक बार आता है, इसके अंदर बार नहीं आता, और इसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी बी ए का सबसेट होना चाहिए, एंड इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए दैट इज नॉट इन बी। ओके, ये मैं आपको लिख के दिखाऊंगा ताकि ज्यादा थोड़ी सी, क्योंकि ये टेक्निकल डेफिनेशन है, ये इस तरह से होगा कि इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, पहली बात तो ये कि बी जो है वो ए का सबसेट होने चाहिए, यानी बी के तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद होने चाहिए, और एक और कंडीशन क्या है कि सबसेट ऑफ ए एंड इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए दैट इज नॉट इन बी। ओके, तो ये भी कोई खास मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है। इसके अंदर ये कहा गया है कि बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट तब कहलाएगा इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी बी ए का सबसेट होना चाहिए, यानी बी के तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद होना चाहिए, साथ ही साथ एंड इफ, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए दैट इज नॉट इन बी, और ए के अंदर कम अज कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए जो कि बी के अंदर मौजूद ना हो। इसका मतलब ये कि इसकी अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं तो इसके एग्जाम्पल आपके पास कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जाम्पल ए एक सेट दे रहा हूं जिसके एलिमेंट्स है आपके पास ए बी सी डी, और बी आपके पास एक और मैं सेट दे रहा हूं जिसके एलिमेंट्स है फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए और डी। तो इस केस के अंदर ये आपके पास क्या है, बी जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है। ओके, अच्छा ये प्रॉपर सबसेट भी है और ये सिंपल सबसेट भी है। ओके, तो सिर्फ फर्क क्या होता है, प्रॉपर सबसेट और सिंपल सबसेट में फर्क सिर्फ ये होता है कि प्रॉपर सबसेट के अंदर एक कंडीशन आपके पास लाजिम है, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए दैट इज नॉट इन बी, यानी इसका मतलब ये है कि ए के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए जो कि बी के अंदर मौजूद नहीं है, जबकि सबसेट के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सबसेट की डेफिनेशन में ये कहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी बी के तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद होने चाहिए, यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं करा कि ए के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होने चाहिए दैट इज नॉट इन बी, ये सबसेट के केस में नहीं बताया, इसीलिए आपके पास अगर दो सेट्स इक्वल भी होते हैं तब भी वो एक दूसरे के सबसेट कहलाते हैं। लेकिन प्रॉपर सबसेट के अंदर ये कंडीशन उन्होंने लाजिम कर दी है कि एक तो ये कि बी जो है वो ए का सबसेट होना चाहिए, B is a subset of A, और साथ ही साथ there exists at least one element in A that is not in B, और A के अंदर कम से कम एक ऐसा element जरूर होना चाहिए जो कि B के अंदर मौजूद ना हो। इसका मतलब ये कि equal set कभी भी proper subset नहीं होगा। हाँ, equal sets के जिसके अंदर elements दोनों set के same होते हैं वो subset जरूर हो सकते हैं, लेकिन proper subset नहीं होंगे। Okay, getting the point?
अच्छा जी, अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए और डी इस दोनों इस सेट के अंदर मौजूद है, यानी द एलिमेंट्स ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। और एक और कंडीशन ये कि आपके पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो कि बी के अंदर मौजूद नहीं है। यहाँ पे तो एक से ज्यादा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कि एक एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बी के अंदर मौजूद नहीं है, तो इस तरह के सबसेट को हम क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अलावा आपके पास पावर सेट्स भी होते हैं। पावर सेट सिर्फ मैं आपको रिपीट करके पढ़ के सुना रहा हूं कि पावर सेट आपके पास क्या होते हैं। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। ओके, यानी पावर सेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पावर सेट को हम पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और पावर सेट के अंदर तमाम सबसेट ऑफ ए को हम लिखते हैं। यानी ए कोई भी सेट होगा, जब हम उसका पावर सेट बनाते हैं तो उस सेट के अंदर ए के तमाम सबसेट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका हम क्वेश्चन करेंगे तो हम यहाँ पे देख भी लेंगे कि किस तरह से हम पावर सेट को सॉल्व कर रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं। अभी सिर्फ हम मेनली एम्फोसाइज कर रहे हैं कि डेफिनेशन आपके पास क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पावर सेट। अच्छा, इसके अलावा आपके पास सुपर सेट्स भी होते हैं। अच्छा, सुपर सेट्स ऑपोजिट होता है। सबसेट क्या होता है कि बी छोटा सेट है, ए बड़ा सेट है। अगर बी इज अ सबसेट ऑफ ए तो सुपर सेट क्या हो जाएगा, ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, यानी ए जो है वो बड़ा सेट होगा तो वो सुपर कहलाएगा, और सबसेट का मतलब है कि बी छोटा सेट होगा। तो यहां पे भी मैं सिर्फ लिख देता हूं कि सुपर सेट आपके पास किस तरह के सेट होंगे, ये भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि डेफिनेशन क्या है। आप चाहें तो आप ही देख सकते हैं, आपकी बुक के अंदर मौजूद है कि इफ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, यानी अगर सेट बी ए का सबसेट है, ओके, फिर देन ए इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ बी, तो ए क्या कहलाएगा, बी का सुपर सेट कहलाएगा। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ओके, जस्ट हमने क्या करा, इसका ऑपोजिट कर दिया, तो सबसेट का ऑपोजिट करेंगे वो सुपर सेट बन जाता है। ओके, अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ये एक ऐसा सेट होता है कि जिसके अंदर आपके पास ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स, यानी तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, यही सबसे बड़ा सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट को आप कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स। ओके, अच्छा, यहाँ पे सेट्स की लैंग्वेज में हम नंबर्स को एलिमेंट्स कहते हैं। यानी जो भी लेट से अगर मैं आपको बात करूं, कहूं कि बी के अंदर ए और डी है, इसका मतलब ये कि ए और डी बी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो रेस्पेक्टिवली हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं इसको। अच्छा जी, अच्छा, अब दो डेफिनेशंस और रह गई आपके पास, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स। नाम से डिफाइंड है, इक्वल सेट आपके पास क्या होंगे, दो सेट जो कि इक्वल है। अब इक्वल का मतलब क्या है कि बिल्कुल सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। किस तरह से, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से आपके पास कि टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल। टू सेट्स ए और बी तब कब इक्वल होते हैं, इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी एंड वाइस वर्सा। यानी तब कब आपके पास ए और बी इक्वल सेट्स कहलाएंगे, कि जब आपके पास ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद होंगे और बी के भी तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद होंगे। इसका मतलब क्या है कि दोनों आपके पास इक्वल सेट्स कहलाएंगे। ओके, इसकी फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से अगर मैं लिखूँ 3, 4, 6 और सेट बी अगर मैं आपको बताऊँ फॉर एग्जाम्पल 6, 4, 3, तो आप मुझे बताएं कि क्या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये इक्वल सेट है। इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब यह है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी में होने चाहिए और बी के तमाम एलिमेंट्स ए में होने चाहिए। तो इधर आप देख सकते हैं 3, 4, 6, 3, 4, 6, ऑर्डर आगे पीछे, तो ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सिर्फ आपने क्या देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए दोनों सेट के। तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं इक्वल सेट, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, सिंपल इक्वल के साइन से। अब फाइनल डेफिनेशन आपके पास इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, अच्छा, अब इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या फर्क है, देखिएगा। इक्विवेलेंट सेट्स आपके पास इस तरह के सेट्स होते हैं, यानी टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट डिनोटेड बाय दिस सिंबल
इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी A इज इक्विवेलेंट टू B, और इसकी कंडीशन क्या है, इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी अब अगर दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम हो तो उस तरह के सेट्स को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं, या हम इसको इन अदर वर्ड्स ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी दोनों दो सेट्स की कार्डिनैलिटी कहलाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किस तरह से, अगर इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स है तो इसकी कार्डिनैलिटी 2 है, अगर इस सेट के अंदर चार एलिमेंट्स है तो इसकी कार्डिनैलिटी 4 है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऐसा सेट बनाता कि जिसके अंदर 9 एलिमेंट्स मौजूद होते तो उसकी कार्डिनैलिटी आपके पास 9 हो जाती। तो इक्विवेलेंट सेट्स को आप इन अदर वर्ड्स ऐसे भी कह सकते हैं कि दो सेट्स आपके पास इक्विवेलेंट तब होंगे कि जब उनकी कार्डिनैलिटी इक्वल होगी या सेम होगी, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक ही बात है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल आपके पास अगेन बेशुमार हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं नाम चेंज कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं एक्स का नाम दे देता हूं, एक साइड आपके पास एक्स है और इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और दूसरा एलिमेंट है आपके पास वाई और इसके एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल 2, 3 और 4। ओके, तो अब अगर आप इसकी कार्डिनैलिटी को देखें यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो सेट एक्स के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, सेट Y के अंदर भी आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, दैट इज 1, 2, 3, तो दोनों सेट के अंदर आपके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या कार्डिनैलिटी सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपके पास इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। ओके, सो होपफुली आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी और ये बहुत ही आसान बातें हैं। आपने डेफिनेटली जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे आसान तरीन चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर है, और मजे की बात एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इस चैप्टर से सिर्फ MCQs ही पूछे जा रहे हैं मोस्टली। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई शॉर्ट में आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कम वेटेज में इस चैप्टर से पूछा जाता है, बट स्टिल दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हमने चैप्टर को स्टार्ट करा विद द डेफिनेशन, सेट्स के सेट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन को हमने देखा और मेनली हमने एम्फसाइज करा इस वर्ड वेल डिफाइंड पे कि वेल डिफाइंड क्या होता है। तो किसी भी सेट को अगर आपने सेट कहना है तो उसके एलिमेंट्स आपके पास वेल डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है, या एलिमेंट्स को आप ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। अब नॉट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आपके पास इस तरह के, जिस तरह से मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दी कि सेट ऑफ 3 मोस्ट रिनोन एक्टर्स, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है, तो ये आपके पास सेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसके अलावा हमने देखा कि हम सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मेनली आप देखेंगे कि बुक के अंदर आपको ए बी सी या एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कराया जाएगा। फिर हमने देखा कि सबसेट क्या होता है, फिर हमने देखा कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, फिर हमने ये देखा पावर सेट क्या होते हैं, सुपर सेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम सेट्स के ऑपरेशंस को पढ़ेंगे कि सेट्स के ऊपर हम किस तरह के ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं। तो चले अब हम यहाँ पे ऑपरेशंस ऑफ सेट्स को स्टडी करते हैं।